जय हिंद दोस्तों, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जे एंड के यू टी। तो गाइज आज की हम बात करेंगे न्यू ऑर्डर इशूड बाय जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक और अनदर ऑर्डर निकाला गया जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा वीडियो में एंड तक बने रहे। साथ साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जे एंड के यू टी की रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको हमारे चैनल से अपडेट किया है। डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। गाइज जिसने भी गाइज अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, गाइज आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम आती भर्ती के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग, या कुछ भी कुछ पूछना होता, क्वेरीज होती, आप हमें वहाँ पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। ठीक है गाइज, ऑफिशियल JKUT 0821 हमारी इंस्टाग्राम आईडी, जिसको नहीं पता था अबाउट सेक्शन में जाके आप हमें इंस्टाग्राम पे क्लिक करके आप हमारा प्रोफाइल पे जा सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए आपको सीधा अपडेट पे ले चलते हैं। क्या अपडेट निकल के आया, तो आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे इनकी तरफ से एक न्यू गाइडलाइन जारी की गई है। तो इसमें क्या लिखा गया मैं आपको बता दूँ, क्या क्या चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन है, और आपके जो स्कूल कॉलेज सिनेमा हॉल जिम्स वगैरह वो ओपन रहेंगी नहीं रहेंगी, वो आपको पूरा अपडेट देता हूँ मैं। ठीक है, सडनली यहाँ पे जो केसेस डाउन हो गए पहले के मुकाबले में, डेली यहाँ पे 5000-3000 केसेस आ रहे थे, बट यहाँ पे अभी जो 1100 कुछ केसेस आए कल की डेट में, तो यहाँ पे सडनली केसेस जो डाउन होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे स्कूल और कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे इनको ओपन करने की जो है परमिशन दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ए मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल परमिटेड टू अटेंड एनी इंडोर गैदरिंग शैल बी स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू 25%, मतलब 25 लोगों से ज़्यादा कोई भी यहाँ पे इंडोर गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। बैंकेट हॉल की बात करें, ठीक है, 25% से ज्यादा कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, और RT-PCR जो रिपोर्ट होती है 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, बाकी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट, क्लब्स, जिम्स एंड स्विमिंग पूल्स, उनको जो मतलब परमिशन दी गई है 25% की, ठीक है, और साथ में साथ SOP जो भी है उनको फॉलो करने की। ठीक है गाइज, तो आगे बात करें स्कूल कॉलेज पॉलिटेक्निक्स, ठीक है, ऑल स्कूल कॉलेज पॉलिटेक्निक ITIs एक्स्ट्रा शैल कंटिन्यू अडॉप्ट ऑनलाइन मीडियम ऑफ टीचिंग, देयर शैल बी नो इन पर्सन टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन ही अभी चलेगा कॉलेज स्कूल पॉलिटेक्निक ITI जितने भी हैं, और उन्होंने बोला है कोचिंग सेंटर जो भी है सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन करते हैं, इंजीनियरिंग कराते हैं, नीट कराते हैं एक्स्ट्रा, आर परमिटेड टू अडॉप्ट ऑफलाइन मीडियम ऑफ टीचिंग एट 50% ऑफ देयर कैपेसिटी, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट बोथ फैकल्टी मेंबर एज वेल एज स्टूडेंट आर फुली वैक्सीनेटेड एंड द हेड ऑफ द सेंटर इंश्योर ड्यू टू प्रिकॉशन सच एज कैब एंड SOPs। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला हुआ कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग नीट एक्स्ट्रा की, उनको बोला गया कि ऑफलाइन में आप यहाँ पे टीच कर सकते हैं, स्टूडेंट भी वहाँ पे पढ़ने जा सकते हैं। ठीक है, और 50% की कैपेसिटी की इनको परमिशन दी गई है, और साथ साथ इनको बोला जो भी हेड है वहाँ का, ठीक है, सेंटर का, उनको बोला जा रहा है कि आप प्रिकॉशन लीजिए और साथ SOP का जो ध्यान रखेंगे वहाँ पर। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल बी परमिटेड टू डायरेक्ट अटेंडेंस ऑफ वैक्सीनेटेड स्टाफ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ओनली। ठीक है, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मस्ट इंश्योर दैट गाइडलाइंस रिलेटेड टू सोशल डिस्टेंसिंग एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। ठीक है, इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनको यहाँ पे डायरेक्ट अटेंडेंस के लिए बुलाया जा सकता है वैक्सीनेटेड स्टाफ को, सिर्फ वो भी सिर्फ जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज है, मतलब कि जो यहाँ पे इनको अपने कॉलेज या एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई भी मतलब अगर काम है कॉलेज के रिगार्डिंग तो वहाँ पे जा सकते हैं, और जो फुली वैक्सीनेटेड स्टाफ है वही वहाँ पे जाके मतलब अपनी अटेंडेंस वगैरह और बाकी काम कर सकता है कॉलेज के। ठीक है, इंस्टीट्यूशन को यही बोला गया कि आप गाइडलाइंस का ध्यान रखिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, बाकी नाइट कर्फ्यू की बात करें वो कंटिन्यू रहेगा ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक विद कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट। ठीक है, नाइट कर्फ्यू जो बोला गया है, जो हमारा वीकेंड भी लगता है और साथ साथ नाइट कर्फ्यू जो है, ये कुछ अपडेट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से न्यू गाइडलाइंस अनाउंस की गई है। इस वीकेंड डेट को अगर ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो बाकी आज वीडियो फिलहाल ये अपडेट है, जैसे कोई अनदर न्यू अपडेट आता है गाइडलाइंस के रिगार्डिंग तो आपको हमारे चैनल से अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।